पुलिस कस्टडी में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की क्या है हालत। हल्द्वानी दंगों को लेकर पुलिस लगातार कर रही पूछताछ। हल्द्वानी हिंसा के बाद से लगातार अब्दुल मलिक फरार चल रहा था। 16 दिन बाद अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और 24 फरवरी से लेकर अभी तक अब्दुल मलिक पुलिस हिरासत में है। वहीं पुलिस अलग अलग एंगल से अब्दुल मलिक से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मलिक पर गैर कानूनी गतिविधियों की UAPA धारा के तहत FIR दर्ज की गई है। करीब 21 दिन बाद हल्द्वानी के हालात थोड़ा सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थान पर जिला प्रशासन की टीमें, अधिकारी और पुलिस टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं SSP नैनीताल ने बताया कि अब्दुल मलिक पर FIR दर्ज हो चुकी है। देखिए, जो FIR ऑलरेडी हो रखी है उसमें UAPA हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रयोजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करें। सर, नामजद काफी संख्या में इनकी हुई थी, अभी गिरफ्तारी क्या स्थिति इनकी? देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहित, वो फरार है, बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहित की गिरफ्तारी हम जल्दी करेंगे। अब्दुल मलिक के अलावा अब्दुल मोहित जो कि मलिक का बेटा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। हल्द्वानी हिंसा में 18 नामजद आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। आपको बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में दंगे हुए थे, जिसके बाद से हल्द्वानी के हालात काफी नाजुक थे। वहीं कई पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। अभी तक 81 दंगाइयों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को बताया जा रहा है, जिसका पोस्टर हल्द्वानी शहर में चिपकाया गया था, जिसकी तलाश 8 फरवरी से पुलिस लगातार अलग अलग क्षेत्रों में टीम बनाकर कर रही थी। वहीं उसके घर की कुर्की भी पुलिस द्वारा कर दी गई थी। फिलहाल अब्दुल मलिक से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।